हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविताज फ्लेवर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रूटी की ऐसी रेसिपी जिसे आप केवल 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और आप इसे स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। और टेस्ट में बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने मार्केट से खरीदी हो। पता ही नहीं कर सकते कि आपने ये घर में बनाई है या मार्केट से ली है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने यहाँ फ्रूटी बनाने के लिए 2 आम लिए हैं और 1 कच्चा आम लिया है। कोई भी मीठा आम ले लीजिए, सीज़न में जो चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे अल्फांसो लिए हैं, आप कोई भी मीठा आम ले लीजिए। और 1 ये कच्चा आम लेना है। बस ये रेशो हमें रखना है फ्रूटी बनाने के लिए। तो आप इन्हें धुल के छील लीजिए और काट लीजिए। कुछ इस तरह से मैंने इसे काट लिया है, यहाँ पे आम को काट के रख लिया है इस तरीके से, और एक तरफ यहाँ मैंने कच्ची कैरी को काट के रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो एक ग्राइंडर जार ले लेते हैं और इनको दोनों को ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। बस इसी तरह से हम कच्ची कैरी को भी इसमें डाल लेंगे। और इनको ग्राइंड करने के लिए मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। यहाँ मैं इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ। आप देख लीजिए जितने पानी की आवश्यकता है जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, उतना पानी आप इसमें डाल दीजिए। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से आम का ये पल्प तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा पल्प लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है। हमें कोई कलर की, आर्टिफिशियल कलर की आवश्यकता नहीं है। बस इसे अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ ग्राइंडर जार को धुल के। बस इतना ही पानी अभी हमने इसमें डाला है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैं 3/4 कप चीनी ले रही हूँ। आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं, बस आम ज़्यादा मीठा है तो इसलिए मैं इसमें 3/4 कप चीनी ले रही हूँ। बस इतनी ही चीनी की आवश्यकता है, बहुत अच्छी एकदम मीठी फ्रूटी बन के तैयार होगी। बस अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसको चलाते रहिए इस तरीके से। इसको पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट के लिए आप इसको इसे ऐसे चलाते रहिए, और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल शाइनी ना दिखने लगे, एकदम से ना बहुत शाइन करने लगेगी। ये देखिए कितनी चमक आ गई। इस तरह से ये कुछ बनके तैयार हो गई है। हम गैस को टर्न ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको एक स्ट्रेनर में इस तरह से छान लेंगे। इस तरह से इसको छान लीजिए ताकि इसमें जो छोटे मोटे लम्स आए हुए हैं ना, वो सारे लम्स निकल जाएं और हमें एक स्मूथ फ्रूटी मिले। तो बस इस तरह से इसे छानते जाइए, और बाद में जो थोड़ा पल्प रह जाए ना तो इसमें पानी डालिए और इस सारे पल्प को निकाल लीजिए, क्योंकि पानी तो हमें फिर भी मिलाना है। अच्छा, मैं इसे बस 8 से 10 दिन के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया। अगर आप इसे ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो इसमें आप 2 की जगह 4 आम ले लीजिए और 1 कैरी की जगह 2 कैरी ले लीजिए। बस उतना ही रेशो बढ़ाते जाइए हर चीज़ का, शुगर का, कैरी का, आम का। और इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दीजिए। अगर आपको इसे लंबे समय तक चलाना है तो आप इसमें 2 चम्मच विनेगर ऐड कर दीजिए, आपका ये चलेगा कम से कम 2 महीने। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के स्ट्रेनर से सारा पल्प निकाल लिया है। इस तरीके से आप इसमें पानी डाल के सारा पल्प निकाल लीजिए, और ये देखिए बिल्कुल पतली फ्रूटी बन के तैयार हो गई। अभी हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये फ्रूटी तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी शाइनी लग रही है। फ्रूटी का कलर ना आपके आम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसा आपके आम का कलर होगा वैसा ही आपकी फ्रूटी का कलर आएगा। फिर भी अगर आप इसको और ज़्यादा बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दीजिए, वरना टेस्ट में तो कोई अंतर है ही नहीं। तो आप इसे बिना, घर में पीने के लिए बना रहे हैं तो बिना किसी फूड कलर के बनाइए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बनाइए। बच्चे भी खुश, हम भी खुश। बस इस तरह से मैंने इसे स्टोर करके रख दिया है, और मेरे बच्चे तो इसे 8 से 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। अगर आपको डालना है तो आप इसमें 1 चम्मच विनेगर डालिए, और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें 1/2 नींबू भी डाल सकते हैं। ये लंबे समय तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। बस इस तरीके से अब हम ग्लास में थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। ये लीजिए घर में हमारी एकदम बाजार जैसी फ्रूटी बनके तैयार हुई है, वो भी बहुत कम समय में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से एक अच्छा ड्रिंक तैयार किया है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।